प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक नितेश पांडे का 51 साल की उम्र में निधन हो गया। ई टाइम्स के अनुसार अनुपमा फिल्म प्रसिद्ध अभिनेता का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। नितेश पांडे, जिन्हें प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा सीरीज में हरीश कुमार की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, ने कई लोकप्रिय टीवी शोज किए हैं, जिसमें एक वह अनुपमा फिल्म के लिए भी जाने जा रहे हैं। नितेश के साले और निर्माता सिद्धार्थ नागर ने इस खबर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अभिनेता ने रात 2 बजे नासिक के पास इगतपुरी में भारी कार्डियक अरेस्ट आया। वह शूटिंग के लिए शहर गए थे। माना जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट होने के लगभग तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नितेश के बहनोई ने इस खबर पर पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, आपने सही सुना, नितेश अब नहीं रहे। मेरी बहन अर्पिता पांडे सदमे में है। नितेश के पिता उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए इगतपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि महज 51 साल की उम्र में नितेश अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बना गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद मनोरंजन इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। बता दें कि फिलहाल नितेश सीरियल अनुपमा में नजर आ रहे थे। सीरियल में वह अनुज और अनुपमा के बिखरे रिश्ते को संभालते हुए दिख रहे थे। नितेश के इस किरदार को लोगों का भी खूब प्यार मिल रहा था। माना जा रहा था कि आगे चलकर वह अनुज और अनुपमा को एक साथ लेकर आएंगे, लेकिन उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।